नमस्कार, स्वागत है आपका जय जय न्यूज में। मैं हूँ आपके साथ पल्लवी। हल्द्वानी में जिले की प्रभारी मंत्री रेखा आर्या की अध्यक्षता में आज जिला योजना की बैठक हुई, जिसमें जिले के विभिन्न विभागों में विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए 70 करोड़ रुपए की जिला योजना की स्वीकृति पर मोहर लगी। बता दें, इस दौरान जिला योजना की बैठक में जिले के सभी विधायक मौजूद रहे। तो वहीं बैठक में प्रभारी मंत्री के सामने हल्द्वानी के बेस अस्पताल में पानी की कमी से डायलिसिस के मरीजों को परेशानी का मामला भी उठा, जिसका संज्ञान लेते हुए प्रभारी मंत्री ने अधिकारियों को इस तरह के गंभीर मामलों को तत्काल निस्तारण करने के निर्देश दिए। साथ ही चेतावनी भी दी कि अगर इस तरह की शिकायत है तो उन तक ना पहुंचे, बल्कि पहले ही उनका निस्तारण कर दिया जाए। जिला योजना की बैठक बड़ी सफलता के साथ पूर्ण कर ली गई है और जिला योजना की बैठक में लगभग 70 करोड़ 20 लाख की धनराशि के साथ में विभिन्न विभागों के परिवय आए हैं, और जिसे आज संबंधित जनप्रतिनिधियों के साथ मिलते हुए आज उस परिवय को स्वीकृत कर दिया गया है। और उस परिवय के मद में जो है, चाहे वो स्वरोजगार का पार्ट हो, चाहे वो रोजगार का पार्ट हो अथवा उद्यान का सेक्टर हो, ये इसको प्रमुखता दी गई है। इसके साथ ही PWD के प्रस्ताव अधिक मात्रा में आए हैं, PWD के प्रस्ताव को भी यहाँ पे स्वीकार किया गया है। पंचायती राज के भी आए हैं। तो मैं समझती हूँ कि हमारी यह कोशिश है कि जनपद नैनीताल में जो भी हमारे कार्य हैं, जो जनप्रतिनिधियों के माध्यम से आते हैं, चाहे विधायकों के माध्यम से आए, चाहे DVC मेंबर्स के माध्यम से आए, चाहे प्रमुख के माध्यम से आए, चाहे जिला पंचायत के माध्यम से आए, उन प्रस्तावों को अधिक से अधिक बजट मिल सके, स्वीकृत किए जा सके, क्योंकि ये कार्य जनमानस के हित में होना बहुत आवश्यक है। तो मैं बहुत शीघ्र इस बैठक को हम लोगों ने किया है, ताकि जो है, जो आचार संहिता के दौरान में जो देरी हुई है उस वो अब और अधिक ना हो। तो ये आज की बैठक जो है, मुझे लगता है कि नैनीताल के विकास में जो है अहम साबित होगी। माननीय विधायक जी ने जो विषय लिया था, निश्चित रूप से वो विषय बहुत गंभीर है और विभाग ने यदि उसका संज्ञान नहीं लिया और डायलिसिस केवल पानी के कनेक्शन न होने के कारण या पानी की कम उपलब्धता के कारण में यदि नहीं हो पा रहा है और बाकायदा समाचार पत्रों में छप रहा है, जाने वाले हमारे ही लोग हैं, तो इस असुविधा का संज्ञान जरूर लिया जाना चाहिए था। इसके लिए आज संबंधित अधिकारियों को फटकार भी लगाई गई है और उनको समय रहते हुए जो है वहाँ पे जल संस्थान से कनेक्शन लेने के लिए भी साफ साफ निर्देशित किया है। दूसरी बार इस प्रकार की कोई शिकायत मुझे प्राप्त ना हो, यह भी साफ बता दिया गया है। अन्यथा के दृष्टिकोण में उनके विरुद्ध कार्रवाई भी की जाए। तो एक खास रिपोर्ट तैयार की थी आपके लिए हमारे संवाददाता दीपक अधिकारी ने। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए JJN News। धन्यवाद।